हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ एडिटोरियल एक्सप्लेन टू थाउजेंड नाइनटीन वी वर इम्पैक्टेड बाई अ वेरी सीरियस पैंडेमिक दैट इज कोविड 19। जिसके बाद हमने लॉकडाउन देखा और बहुत सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉसेस हुए उसके बाद सीरीज ऑफ़ न्यू म्यूटेंट्स आए नए वेव ऑफ कुछ कुछ लॉकडाउन देखी गई और अब हम नया वेरिएंट देख रहे हैं दैट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट, एंड द रिएक्शन ऑफ द कंट्री एडिटोरियल सेन सेज इट्स लाइक पावलोवियन रिस्पांस। तो एडिटोरियल इज़ आस्किंग जो कि लाइव विंट में आया था इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन कि जो पावलोविन रिस्पॉन्स है इज़ इट एक्चुअली इफेक्टिव फॉर दोमिक्रॉन तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले पावलोवियन रिस्पॉन्ड होता क्या है और इसके बाद हम देखेंगे ओमिक्रॉन क्या होता है चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा देखते हैं एडिटोरियल के बारे में जो कि लाइव मिनट में आया था विच टॉक्स अबाउट पावलोवी एंड रिस्पॉन्स लाइक ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन वॉन्ट स्टॉप द ओमिक्रॉन विच इज ये इट्स सेल्फ बिगनिंग में ही सवाल उठा देता है स्ट्राटेजी पे तो पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या है एवर सिंस ओमिक्रॉन विच इज़ अ वेरियंट ऑफ कोविड मतलब कोविड वायरेशन में कुछ म्यूटेशन के साथ ये आया है आपका और कहते हैं दिस इज एक्चुअली दिस इज अ वेरी लाइक इट मे बी हजार्डस टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ कि इसमें कुछ कुछ चेंजेस ये हैं कि बहुत फास्ट टीम आपका ट्रेवल हो रहा है ज्यादा पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर पा रहा है और वैक्सीन से थोड़ी मतलब इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वैक्सीन पर इतना ज्यादा नहीं है उसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं नाउ वॉट इज़ सीन इन द कंट्रीज आफ्टर दैट इज़ अ नीजक रिएक्शन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने क्या किया बहुत uh, restrictions, restrictions है बहुत स्ट्रिक्ट आपकी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं जैसे आपका कैनेडा हो यूएस हो या काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हो जहाँ पे साउथ अफ्रीका के आसपास काफ़ी इन्वॉल्व हैं

कंडीशनिंग मतलब जहाँ पे आप कुछ स्टिमुलस यूज करके इंसान को एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने के लिए उसको ट्रेन uh, कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ दी आपका पावलोवियन कंडीशनिंग इज एग्जाम्पल दिस इज़ अ डॉग एंड डॉग का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है सींग अ फूड इज स्टारवेशन सलाइवा मतलब सेल्वेसन uh, uh, उसके मुंह से सलाइवा आने लगता है वो जैसे ही फूड दिखता है दिस इज़ अ नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स नाउ अब पावलोविन रिस्पॉन्स में क्या होता है यू आर ट्राइंग टू चेंज अ रिस्पॉन्स यूजिंग अ नेचुरल स्टमिलस जो कि पहले से ही प्रेजेंट था एंड यूजिंग एन आर्टिफिशियल स्टमिलस एक अलग से आप एक स्टमिलस एड कर देते हो एंड लेटर ऑन आर्टिफिशियल स्टमस ही आपके बिहेवियर को चेंज कर पाता है वो भी इतना इफेक्टिव हो जाता है इवन इफ द नेचुरल स्टमिलस इज नॉट प्रजेंट राइट सो एक नेचुरल स्टमिलस एक रिक्वायर्ड बिहेवियर आपके अंदर लेकर आता है लेकिन अगर आप नेचुरल स्टिमुलस को एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ ऐड कर दो तो सिमिलर रिस्पॉन्स आप आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी लेकर आ सकते हो अब इसका एग्जाम्पल है इमेजिन ये दिस इज अ डॉग जो फूड देख के आपका छोड़ता है दिस इज एक्चुअली सीन इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो एंड दिस इज अ विसल विदाउट फूड दिस विसल इज ऑफ नो यूज अगर आप विसल बजाओगे तो सलाइवेशन नहीं होगा मे बी डॉग इधर चला जाए उधर चला जाए इरिटेट हो जाए बट नॉट द सलाइवा वो जब भी कुत्ते के सामने फूड को रख रहा है साथ में एक विसल भी बजा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुत्ता जब भी विसल सुनेगा उसे ऐसा लगेगा कि उसका फूड भी आने वाला है तो वो विस्सल पे भी क्या होगा फूड प्लस विसल सलाइवा आएगा नेक्स्ट टाइम आप कुत्ते को फूड मत दो बस विसल बजा दो वो सलाइवा आ जाएगा वाई बिकॉज डॉग्स माइंड इस ट्रेंड उसकी माइंड की ट्रेनिंग हो चुकी है कि जो विसल है मतलब फूड आने वाला है फूड आने वाला है मतलब सलाइवा सो इवन बिफोर ही हैज ईट द फूड उसके अंदर सलाइवा आ रहा है इवन बिफोर सीइंग द फूड इट तो इसे कहते हैं जो नेचुरल कंडीशंस थी उसके मिसिंग होने के बाद भी द आर्टिफिशियल सीनारियो एबल टू क्रिएट आ रिस्पॉन्स आर्टिकल सेज दैट कि अभी जो कोविड में हो रहा है ना वो एग्जैक्टली exactly ओमिक्रॉन में यही रिस्पॉन्स है पहली बार जब कोविड ने इम्पैक्ट किया था इट वॉज़ नेचुरल सिनेरियो राइट तो लॉकडाउन होना लाजमी था बिकॉज वी डेंट नो हाउ टू डील विद दिस वी वर इल प्रिपेयर टू डील विद दिस तो उस समय लॉकडाउन ठीक था राइट right? इसके बाद हमने जब म्यूटेशन देखी हम तब भी इतना प्रिपेयर नहीं थे ना म्यूटेशन वर नेचुरल, ये सेकेंड सेट ऑफ़ कंडीशन है म्यूटेशन आपकी सेकेंड सेट ऑफ कंडीशन है आदमी आर्टिकल से इज कि आप पिछली बार जो पहली बार जो आपका कोविड से जो आपकी सीना क्रिएट हुआ था जो थ्रेट्स हुए थे वो थ्रेट अब एग्जिस्ट नहीं कर दे यू आर सीइंग ओनली म्यूटेशन एंड दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड जैसे डॉग का ये रिएक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है ही नहीं क्यों क्योंकि फूड नहीं है फूड नहीं है सिर्फ विसल है एक्चुअली फूड इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर. सिमिलरली आर्टिकल सेज़ सेट कि हमारा जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है लॉकडाउन का विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि पहली बार जब कोविड आया था तो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे राइट ना वी डेंट नो हाउ टू डील विद दिस बट इट सेज दैट अब जब आप इसके म्यूटेशंस को देख रहे हो यहाँ पे एक फैक्टर चेंज हो चुका है दैट इज वी आर प्रिपेयर टू डील विद दिस इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट तो रिस्पॉन्स सिमिलर नहीं होना चाहिए दिस इज वट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल से वाई सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज लाइक अनवॉन्टेड इट से सबसे पहली बात की ये पैंडेमिक नहीं है ये एंडेमिक है अभी सिर्फ कुछ कुछ जगह पर लोकेटेड है दूसरा इट से अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि साउथ अफ्रीका को बैन कर दो देन यू कैन सी कि अब ये ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल चुका है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में ये जा चुका है तो आप पर्टिकुलर दो तीन कंट्रीज़ को बैन करके आप इससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे देन इट टॉक अबाउट कि वी आर नॉट द सेम पॉइंट आर्टिकल मेड दैट इज़ वी आर नॉट एज हेल्पलेस एज वी वर प्रीवियसली पहला आपका रिस्पॉन्स जस्टिफाइड था क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं थी ड्रग्स नहीं थे कोई और टूल नहीं था बट आपके पास है कॉस्ट कितना है और इससे आपका बेनिफिट कितना हो रहा है एंड लास्ट टाइम वी सॉ देर वॉज कॉस्ट इन्वॉल्व टू दी आपका जो पैंडमिक था उससे ह्यूमन लाइफ कहीं थी बट दैन इट सेड कि मोर लाइफ व लॉस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ एंगजाइटी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स जो जो अभी तक लोग अपनी लाइफ वापस अपनी बना नहीं पा रहे हैं सो दिस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या इसी अकाउंट में किया गया है एंड दैट्स आर्टिकल इज सेम कि लॉकडाउन मे बी अ लिटिल अनजस्टिफाइड रिएक्शन आप दूसरे रिएक्शन यूज कर सकते हो एंड दैट्स वेट गिवस अ सजेशन इससे सबसे पहले बोला जो आपके एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं उनको सबसे ज्यादा यूज़ करने की जरूरत है जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सोशल Major, आपको पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना होगा जैसे आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ही ये बात बोल रहा है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है अपना नेशनल इमरजेंसी प्लान लेकर आइए नेशनल इमरजेंसी फंड लेकर आइए निजक रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू तो अपने इस तरीके से दोनों जो आपके एग्जिस्टिंग डेटा और रिपोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप फिर आप ऐसे हम बोलेंगे कि जो आपके आई सोशल मेजर जैसे कौन से हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखना अपने हैंड को सैनिटाइज करना मास्क यूज़ करना इस तरीके से इन इफेक्टिव मैथड्स को यूज़ कीजिए साथ में अपना जो डिसीजन है वो आई टी बेस टूल से यूज़ कर सकते हो कि यू डोंट हैव टू लाइक क्वारंटीन एवरीबडी आई टी को यूज़ कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम यूज़ कर सकते हो साथ में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कि इफ़ समवन इज़ इम्पैक्टेड उनके आसपास वाले लोगों को आइडेंटिफाई करूँ और सिर्फ उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है साथ में the universal vaccine is going to be the most effective and the only effective solution to deal with this and you can quote it anywhere in your essay or in main answer that no one is safe without everyone is safe and this covid has made clear so this is something that you can work upon now i hope this video was useful to you if that is the case you need to like and subscribe the video if not put it down in the comment section thank you so much Current Affairs by Forum IAS is an all in one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.